Hi guys, I am Mahesh Yadav, and in this video I am talking about a big mistake which you make in your English paper and you should avoid making that mistake. जी हाँ, सभी स्टूडेंट से मैं एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो अपनी इंग्लिश की कॉपी में तीन चार प्रकार के मिस्टेक्स करते हैं, इस कारण उनके अच्छे मार्क्स नहीं आते हैं. ग्रामेटिकल मिस्टेक्स वो करते हैं, स्पेलिंग मिस्टेक्स वो करते हैं और टेंस का मिस्टेक करते हैं वो. तो इस पर्टिकुलर वीडियो में आपको एक बहुत बड़ी मिस्टेक जिसे मैं कहूँगा वो टेंस मिस्टेक, यानी जिस क्वेश्चन को जिस टेंस में पूछा गया वो आंसर उसी टेंस में नहीं दे पाते हैं, और ये गलती सबसे पहले बहुत जल्दी नज़र आ जाती है. स्पेलिंग मिस्टेक्स है वो भले ही एक पल को ना दिखे, लेकिन ये मिस्टेक सबसे पहले एक एग्जामिनर को दिखती है. तो आपको ये गलती कभी भी नहीं करनी चाहिए. उसके लिए मैंने यहाँ पे एक काल्पनिक क्वेश्चन बनाया है, उसका एक काल्पनिक उत्तर दिया है. तो इसके माध्यम से मैं आपको बताऊंगा कि ये मिस्टेक किस तरह से होती है और इसे करने से किस तरह से बचना चाहिए. Why did राजू फेल इन एग्जाम? राजू परीक्षा में फेल क्यों हो गया था? मैंने था क्यों बोला? क्योंकि इसमें डेड आ रहा है. डेड का मतलब पास्ट, यानी कि ये क्वेश्चन पास्ट टेंस में पूछा गया है. तो एक स्टूडेंट को इसका आंसर पूरा पूरा पास्ट में ही देना चाहिए. लेकिन चूंकि हमारी लिखने की प्रैक्टिस कम होती है, हम टेंस पे ध्यान नहीं दे पाते, तो हम अक्सर उन गलतियों को कर देते हैं जिन पे मैं आपको फोकस वीडियो में करना चाहता हूं. तो माना इसमें आंसर दिया किसी ने, राजू फेल्ड इन एग्जाम, राजू परीक्षा में फेल हो गया. यहां तक ही सही चल रहा है, पास्ट. जब डिड हटता है तो यहाँ पे जो फर्स्ट फॉर्म दी हुई थी डिड के साथ वो सेकंड फॉर्म हो जाती है. एक अच्छा आंसर शुरू हो गया, यहां तक ये सही है, बिकॉज ही इज आया. जैसे ही एग्जामिनर को यहाँ पे इज दिखता है उसका माइंड खराब हो जाता है, उसकी नजर में आपका इंग्लिश का लेवल बहुत डाउन आ जाता है, वो आपको मार्क्स नहीं देगा. भले ही आपने सही आंसर लिखा हो, उत्तर हो, उसमें फैक्ट सही हो, लेकिन आपने जो इज लगाया ना, इस की वजह से आपकी उसकी नज़र में आपकी वैल्यू बिल्कुल जीरो हो जाती है. वो समझता है कि आप इंग्लिश के बारे में आपकी समझ बहुत ही कम है. आगे बढ़े, ही इज नॉट गो टू स्कूल, ही वाज. अब यहाँ पे उसने वाज लगाया, फिर पास्ट ले आया, उसके बाद फिर प्रेजेंट आ गया, और फिर से प्रेजेंट आ गया प्ले फर्स्ट फॉर्म. इसके अलावा एक दूसरी बात और जो बहुत बड़ी गलती है, ही इज नॉट गो टू स्कूल, ऐसा कहीं कोई इंग्लिश में फ्रेम नहीं बनता. यानी इस तरह का कोई सेंटेंस आप नहीं लिख सकते, ही इज नॉट. इज एम आर के साथ क्या, तो आप फर्स्ट फॉर्म आई एन जी लगाइए ताकि कंटिन्यूस हो, या फिर आप पैसिव का वाक्य लिख सकते हो. लेकिन ये किसी भी स्थिति में चीज ठीक नहीं है. यहाँ पे उसको लिखना था ही डिड नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं गया था. अब ये सेंटेंस सही है. He was not reading his books. वह अपनी पुस्तक नहीं पढ़ता था. ये ऐसा कहना चाह रहा है स्टूडेंट, लेकिन ये सेंटेंस बिल्कुल भी ग्रामेटिकल तरीके से सही नहीं है. He was not reading his books. इसको लिखना चाहिए था He did not read his books. उसने अपनी पुस्तकें नहीं पढ़ी थी. He is not care his books. वह अपनी पुस्तकों की परवाह नहीं करता है, ऐसा कहना चाहता है, लेकिन ये सेंटेंस भी गलत है. तो इसमें भी इसको ये करना था He did not केयर हिज बुक्स. उसने अपनी पुस्तकों की परवाह नहीं की थी. ही प्ले क्रिकेट ऑल डे. वह पूरे दिन क्रिकेट खेलता है. यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म नहीं आ सकती, जब पास्ट है तो सेकंड फॉर्म ही आएगी. तो यहाँ पे इसको लिखना था ही प्लेड क्रिकेट ऑल डे. उसने पूरे दिन क्रिकेट खेला था या पूरे दिन क्रिकेट खेलता था. तो आप समझ रहे हो ना कि जब ये पास्ट है, डिड है, तो आपको पूरा आंसर पास्ट में ही देना है, और यहाँ पे अगर प्रेजेंट है तो आपको पूरा आंसर प्रेजेंट में ही देना है. सिचुएशन के अनुसार एक दो सेंटेंस हो सकता है कि पास्ट का होने पर भी प्रेजेंट में आ जाए, लेकिन वो स्थिति एक सिचुएशन होती है, वहां पे आप लगा सकते हो. मुश्किल से एक या दो सेंटेंस आ सकते हैं, कोई जरूरी नहीं कि आए, कभी कभार आते हैं. अधिकांशतः तो आपको पूरा पास्ट में ही लिखना होता है. अगर प्रेजेंट में पूछा है तो आपको प्रेजेंट में ही लिखना होता है. जैसे इसी को मैं चेंज कर रहा हूं, व्हाई डज राजू फेल इन एग्जाम. अब इसका अर्थ हुआ राजू एग्जाम में फेल क्यों हो जाता है. तो राजू, अब यहां पे जब डज हटा हो गया तो यहां पे जो एस वर्ब आएगा, तो राजू फेल्स इन एग्जाम, अर्थात राजू परीक्षा में फेल होता है. बिकॉज, क्योंकि प्रेजेंट आएगा तो यहां पे डज आएगा. डज नॉट गो टू स्कूल, ही डज नॉट रीड हिज बुक्स, ही डज नॉट केयर हिज बुक्स, ही, और यहां पे आएगा प्लेज, वह पूरे दिन क्रिकेट खेलता है. यानी कि ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है. एग्जामिनर आपकी कॉपी को जैसे ही देखता है तो क्या है, सरसरी दृष्टि से कॉपी को देखता है, वहां पे जैसे ही टेंस मिस्टेक देखता है कि वाज आना चाहिए था, आपने इज लिख दिया, इसकी जगह आपने वाज लिख दिया, फर्स्ट फॉर्म की जगह आपने सेकंड फॉर्म लिख दी, सेकंड जगह,
तो आप जब मिक्स करते हो चीजों को तो वो चीजें कोई अर्थ दे नहीं पाती और एग्जाम आपको नंबर दे तो दे कैसे। तो गाइज इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको सिर्फ ये बताना चाहता था कि फिर भी आप पास्ट टेंस में ज्यादा फोकस करें एग्जाम के लिए, क्योंकि पास्ट ज्यादातर स्टोरीज होती है हमारे टेक्स्ट में पार्टों में, और स्टोरी पास्ट में होती है तो क्वेश्चन भी पास्ट में बनेंगे, तो आपको आंसर भी पास्ट में ही देने हैं। और पास्ट का मतलब है कि आपके आंसर में क्या क्या आना चाहिए, आपके आंसर में सेकंड फॉर्म आना चाहिए, आपके आंसर में वाज वर्ब दिखने चाहिए। अगर दो चीजें आपके आंसर में दिख रही है तो आपका आंसर सही चल रहा है, लेकिन आप पास्ट का होने पर एजेएमआर दिखा रहे हो, आप फर्स्ट फॉर्म दिखा रहे हो, उसमें एसीएस लगा रहे हो, डूडल्स दिखा रहे हो, तो आपका आंसर गलत जा रहा है। तो मैं समझता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको चीज समझ में आ गई होगी। और हाँ, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहे। आज के लिए बस इतना ही, ओके बाय।